महिला घरेलू कामगार को वृद्धावस्था में पेंशन नहीं मिल पा रही है, ग्रेच्युटी या बोनस नहीं मिल रही है, चिकित्सा बीमा नहीं है और महात्मा पूर्व घरेलू श्रमिकों के लिए न्यूनतम कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। महिला घरेलू कामगारों को समान के साथ काम करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए और उचित वेतन होना चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के इलाज में निष्पक्षता मिलना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा 2020 में नए कोड के अनुसार राज्यों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकार सुरक्षा बोर्ड को गठन करने का आदेश दिया गया है, लेकिन घरेलू कामगारों के लिए लागू नहीं किया गया। राज्य की नीति में घरेलू कामगार बड़े पैमाने पर अनुपस्थित है, इसलिए आज हम राज्य घरेलू सरकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाने और लाभ प्रदान करने की मांग करते हैं। लगभग 1000 से ज्यादा लोगों का सामाजिक सुरक्षा योजना होम ए में रजिस्टर हो गया है, लेकिन हमें कोई गोवा सरकार से लाभ नहीं मिला है। जायते वर्षा पासून आनी एक एक कोडेन तर आमी कितें मातशें दुयेंत बी पडलें जाल्यार ती आमकां सजमोन घेयना, कित्याक पेमेंट काडटात तेंचे आमी एक कोरिता जावपाक लाय म्हणून, कित्याक सगळीं आमी भाव भयणां कशीं एकूच घरान बरे भाशेन तांचें काम करतात। आमी एक सरवट म्हणून कामवाली बाई अशें हे भाशेन तेंच्यांनी फोडपाक जायना, ते भाशेन करप न्ही म्हणून हांव सांगता सगळें काम करतलें भाव भयणां, कित्याक आमी एक रेस्पेक्ट आमचें काम एक रेस्पेक्टाचें काम म्हणून आमी मानून घेतात। ते भाशेन आमकांय सरकारान हेतून आमकां एक रेस्पेक्ट मान दिवचो म्हूण आनी आमचें कितें हेतून आसा ते भाव भयणीन सांगलां आतां सगळें तें आमकां ते आमचे रूल कायदे म्हणून मागता हे तेंच सोडना।